नमस्कार। आज हम लोग आए हैं घूमने के लिए, और मैं हूं और गिरीश सर, हम दोनों आज घूमने आए थे। आज दिवाली ही है, तो आज हम लोग जो जिस जगह घूमने के लिए आए हैं, ये जगह कहलाती है गंगऊ डैम। ये पन्ना नेशनल पार्क के अंदर है, और यहाँ की लोकेशन बहुत खूबसूरत है। लेकिन चूंकि इस समय पे ये जो समय चल रहा है, कोरोना काल का समय चल रहा है, और इस वजह से यहाँ पे गाड़ियाँ चूँकि नहीं आ रही हैं, टूरिस्ट भी ज़्यादा नहीं हैं, तो हम लोगों को परमिशन मिल चुकी है। क्योंकि गिरीश सर यहाँ पे लेक्चरर हैं खजुराहो हायर सेकेंडरी स्कूल में, और इनके कई स्टूडेंट यहाँ पे थे, तो परमिशन तो इन्होंने दिला दी। लेकिन अंदर से बताएं तो डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे बाघ भी थोड़ी ज़्यादा हैं और सुनसान इलाका है। तो हम सबसे पहले आपको आसपास का इलाका दिखाते हैं, और फिर इसके बारे में सारी चर्चा करेंगे। ये बिल्कुल सारी लोकेशन आप देखिए, ये है पूरा गंगऊ डैम की लोकेशन। ये जो गंगऊ डैम है, ये जो हमारे सामने पूरी आपको पहाड़ दिख रहे होंगे ना, ये देखिए पूरी की पूरी जो पहाड़ियाँ दिख रही हैं, ये जो क्षेत्र आता है, ये आता है पन्ना नेशनल पार्क के अंतर्गत। और पन्ना नेशनल पार्क जो है, ये छतरपुर और पन्ना ज़िला दोनों ज़िलों में विस्तृत है, और ये टाइगर रिजर्व है, यानी कि इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। और दूसरा, इसी पन्ना जो ये पहाड़ियाँ हैं, ये पूरा ये कम से कम यहाँ से 100 किलोमीटर के आसपास तक जाती हैं। लगभग यहाँ जयपुर किशनगढ़ वाला क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पे खरियानी पलकुआँ वाला क्षेत्र मिलता है, वहाँ से होते हुए ये पन्ना नेशनल पार्क जाता है। और केन नदी इस जो नेशनल पार्क, इसके अंदर से गुजरती है, इसी वजह से यहाँ पे जो सरीसृप उद्यान बनाया गया है, अगर कभी ये क्वेश्चन आता है, अगर आपको तैयारी भी करते होंगे PCS की या किसी और चीज़ की, तो आप इस चीज़ को पढ़ते होंगे या आगे पढ़ेंगे कि पन्ना ने सरीसृप उद्यान, सरीसृप मतलब रेप्टाइल्स जिन्हें बोलते हैं, सर्प हैं और जितने भी रेप्टाइल्स प्रजाति के एनिमल्स हैं, वो यहाँ पे पाले जाते हैं, तो उनका ये उद्यान है। तो ये पन्ना नेशनल पार्क के अंदर ही आता है, और हम उसी आज पन्ना नेशनल पार्क के अंदर घूम रहे हैं। और लोकेशन आप देख ही लीजिए, डेंजरस है, क्योंकि ये डैम वाला इलाका है, डैम अपने पर्यटन के लिए जाना जाता है। तो आज हम इसी डैम पे आए हैं, और हम लोगों को थोड़ा सा असहज भी महसूस हो रहा है, क्योंकि चढ़ी चढ़ी में हम लोग कड़ी ना बन जाएं, ऐसा डर लग रहा है। तो लेकिन फिर भी चलो, कभी ऐसे अनुभव जीवन में लेने चाहिए, फ़ायदेमंद होते हैं। ये पूरा गंगऊ डैम, इसकी आप लोकेशन देख सकते हैं, ये बांध के नीचे वाला इलाका है, और यहाँ पे पानी छोड़ा गया है, और ये ऊपर वाला पूरा इलाका गंगऊ डैम कहलाता है। यहाँ पे लोग खेती कर रहे हैं, यहाँ पे जो वन अधिकारी हैं वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, और चूंकि ये भराव बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन इस समय पर इन लोगों ने पानी थोड़ा सा छोड़ रखा है। तो आज हम लोग जा रहे हैं इस व्यू पॉइंट की ओर। इसके नीचे से एक छोटी सी सुरंग भी जाती है, अंदर जाते हैं, अगर वो खुली होगी तो हम उसके अंदर जाएंगे। और ये है पूरी केन नदी, ये पूरी केन नदी है, और बहुत ही खूबसूरत नदी है ये, उसी पर इस गंगऊ डैम प्रोजेक्ट को बनाया गया है। ये देखिए, अभी इसका पानी छोड़ा गया है, तो ये है पूरा गंगऊ डैम प्रोजेक्ट। और ये जो आपको पूरा इलाका दिख रहा है, ये पन्ना नेशनल पार्क का इलाका है, ये नदी यहाँ से नीचे की ओर जाएगी, फिर यहाँ पे दो प्रपात बनाती है, छोटे छोटे प्रपात, एक का नाम है एक का जो नाम है वो है पंडवन, एक का नाम है पांडव फॉल, और दूसरे का नाम है काफ़ी फेमस है यार, वो क्या नाम है उसका, मुझे नाम भूल रहा, ये तो पांडव फॉल हो गया, और दूसरा रन्नी फॉल और पांडव फॉल, दो ये फॉल बनाती है। ये पूरा डैम है, इसका ये भराव क्षेत्र है, और ये डैम क्षेत्र कहलाता है गंगऊ
डैम क्षेत्र, और ये इसमें पानी छोड़ा हुआ है, और ये जो सामने नदी जा रही है इस नदी का नाम है कैन। इसी गंगऊ डैम को दो भागों में बांटा जा रहा है, एक कहलाता है गंगऊ, दूसरा इसके जस्ट ऊपर का जो पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ पे बनाना है, और उसका नाम दिया गया है ग्रेटर गंगऊ। लोकेशन आप देख ही रहे हैं। गंगऊ और ग्रेटर गंगऊ को बनाने का जो उद्देश्य है, सरकार का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। भारत में एक सबसे पहले नदी जोड़ो परियोजना चल रही है, नदी जोड़ो परियोजना का नाम है अमृत क्रांति परियोजना। अमृत क्रांति परियोजना में दो नदियों को जोड़ा जाना है, ये महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसका जो नदी जोड़ो परियोजना का सिद्धांत ब्रिटिश काल में दस्तूर नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को रखा था। बाद में इस कॉन्सेप्ट पर काम करना शुरू किया गया। उसका उद्देश्य ये था कि भारत में नदियों को आपस में जोड़ा जाए, ताकि जितना भारत वर्षा को प्राप्त करता है वो वर्षा के जल को संचित किया जा सके, और यहाँ पे जितने लगभग 55% भारत का जो एरिया है जो असंचित है, यानी कि जो वर्षा पर आधारित है, उसको सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, और भारत को कृषि के क्षेत्र में बहुत अधिक संपन्न कराया जाए। इसी परियोजना को ध्यान में रख करके इस बुंदेलखंड के क्षेत्र में सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक परियोजना को लागू किया था, जिसका नाम था अमृत क्रांति परियोजना, जिसका नाम दिया गया था, और उसको आम शब्दों में बोला जाता था कैन बेतवा लिंक परियोजना। तो ये जो नदी हमारे सामने है, जो मेरे पीछे आपको नदी दिख रही, इस नदी का नाम है कैन है, और जिस जगह पे हम रुके हुए हैं जो है इसका नाम है गंगऊ डैम, और इसी के जस्ट ऊपर, इसके जस्ट ऊपर जो पर्वती वाला क्षेत्र दिख रहा है इसके ऊपर बनना है ग्रेटर गंगऊ डैम। तो ग्रेटर गंगऊ डैम और गंगऊ डैम दोनों अमृत क्रांति परियोजना के स्तंभ बन के निकलेंगे, जो कि अर्जुन बंदा से इस चीज़ को जोड़ा जाएगा, और पहली लिंक परियोजना भारत की जो सफल हो गई है उसमें ये डैम सबसे बड़ा स्तंभ है। इसलिए इस डैम को आज हम घूमने के लिए आए हैं। अमृत क्रांति परियोजना का ये सबसे बड़ा पिलर बन करके हमारे सामने खड़ा हुआ है। अमृत क्रांति परियोजना जैसे सफल होगी, इसी की सफलता को देखते हुए भारत में और भी परियोजनाएँ शुरू की जाएंगी। तो आज हम उसी अमृत क्रांति परियोजना के मुख्य बांध यानी कि गंगऊ डैम पर हैं, और इसके जस्ट ऊपर जो डैम बनना है उसका नाम है दौधन गांव, एक गांव का नाम है दौधन गांव, लेकिन बांध का नाम है ग्रेटर गंगऊ डैम। अभी वो बनना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जब होगा तो उसको भी हम जा कर के देखेंगे। यहाँ पे बांध बनाने का जो सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि एक तो ये पर्वतों से घिरा हुआ है, देखिए छोटे छोटे पर्वतों से, ये पहाड़ों से घिरा हुआ है, छोटे नहीं काफ़ी बड़े हैं, पर्वतों से घिरा हुआ है, और यहाँ पे विस्थापन की समस्या ज़्यादा नहीं है, इस वजह से इस जगह को चुना गया है। और ये जो डैम है ये बहुत ही प्राचीन डैम है, और जिसका निर्माण अंग्रेजों के समय पर हुआ था, तो जो कि इस क्षेत्र पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराता है। और यहाँ पे आप देखिए नदी की बहुत अधिक विशालता है, और देखने में थोड़ी सी डरावनी भी लग रही है। और अगर आप यहाँ नहाने के इच्छुक हैं, जैसे हम लोग नहाने के इच्छुक होते हैं, लेकिन कभी भी कैन नदी पर नहीं नहाना, क्योंकि कैन नदी पर गए तो आप ऊपर भी जा सकते हो, बहुत ही डेंजरस नदी मानी जाती है। गंगऊ डैम की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो विशेषता है इस डैम के अंदर बनी हुई एक सुरंग। आज हम सुरंग के अंदर जा रहे हैं, और ये ब्रिटिश काल के समय पर निर्मित हुई थी, और बहुत ही खूबसूरत सुरंग है। ये ब्रिटिश काल में इस डैम की गुणवत्ता को चेक करने के लिए बनाई जाती थी, और जब इसके ऊपर से पानी जाता है तो ये देखिए ये बाहर आप देख सकते हैं, और इस डैम के अंदर अंदर आप, इस डैम के, इस सुरंग के अंदर अंदर आप आर से पार यानी पूरे डैम के अंदर आप पहुंच सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रख करके ये सुरंग बनाई गई है। तो आज हम लोग इसी सुरंग के अंदर हैं, और बिल्कुल अंधेरी है ये, तो ये देखिए आप सुरंग पे हम लोग जा रहे हैं। आइए सर, और ये देखिए बिल्कुल जस्ट नीचे आपको डैम दिख रहा है, और इसके अंदर दिख रही है ये सुरंग। ये हम दूसरे कोने पे आ गए, और उसके ऊपर चढ़ने का नजारा है, और ये देखिए अभी हम लोग वहां से चलना शुरू हुए थे और इस जगह पर आ गए हैं। ये है कैन नदी, और गंगऊ डैम के नीचे से ये नदी बह रही है।
ये था गंगऊ डैम के नदी का एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद। देखिए आज हम चलते हैं रनवांग डैम की ओर। पूरा ये बनता रहा, पूरा देख सकते हो आप यहाँ के पप नज़ारे। ये रहा रनवांग डैम, पूरा देख सकते हो आप कितना बड़ा है। हाँ सुख सर, रनवा जो गांव है इसकी लोकेशन ठीक है, डैम की लोकेशन भी अच्छी है। रनवा डैम की लोकेशन ठीक है, पहाड़ियां हैं काफ़ी और यहां से पन्ना नेशनल पार्क शुरू होता है तो यहां पे जंगली जानवर आ जाते हैं और ये मछली पालन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहां से मछलियां बहुत अधिक मात्रा में पकड़ी जाती हैं जो कि खजुराहो, छतरपुर, पन्ना के आसपास इसकी काफ़ी अधिक सप्लाई होती है तो उसके लिए बांध जाना जाता है।